हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं बना रही हूँ धनिया और पुदीने की चटनी, और बनाऊंगी रागी की रोटी। रागी जो है हमारे यहाँ भी होता है, इसलिए हम लोग उसको जानते हैं कि कैसे बनाना है। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, मैंने लेकर रखा हुआ था तो पिसवाया मैंने, और मैंने सोचा चलो यार बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग गाँव तो काफ़ी टाइम बाद जा पाते हैं, तो जब वहाँ की याद आती है तो चलो कुछ रेसिपी खुद ही बना लेते हैं। तो उसके बाद मैंने धनिया पुदीना साफ कर लिया था, और उसमें जो मैं डालती हूँ मिर्ची, अदरक, लहसुन, जीरा वगैरह, ये सब कुछ मैंने मिलाया, और उसको मैंने पीसा है सिलबट्टे पे। और ये सिलबट्टा भी मैं लास्ट टाइम लेके आई थी दिल्ली से, क्योंकि बेंगलोर में आपको ऐसे सिलबट्टे नहीं मिलते हैं, यहाँ पर दूसरे टाइप के सिलबट्टे होते हैं। तो फिर ये सिलबट्टा मैं लेके आई थी दिल्ली से, तो मैंने पीस लिया। अभी मैं पीसूँगी चटनी, और क्योंकि सिलबट्टे पे जब आप पीसते हो ना, चटनी का एकदम टेस्ट ही अलग होता है, और जब हम इसको पीसते हैं मिक्सी में तो तब अलग ही होता है। तो मैं सिलबट्टा इसीलिए लेके आई थी, खास करके अभी चटनी पीसनी हो तो एकदम सिलबट्टे पे पीसो। वैसे मैंने ज़्यादा यूज़ तो किया नहीं सिलबट्टा, इसी दिन ही यूज़ किया था, और एक आध बारी और यूज़ किया था सिर्फ चटनी वगैरह पीसने के लिए। काफ़ी टाइम के बाद मैंने सिलबट्टा यूज़ किया था, तो चटनी पीसने के बाद मेरे हाथ पे एक थोड़ा मतलब छाला जैसा हो गया था, हल्का सा, बाहर नहीं हुआ, छाला जैसा हो गया था, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैंने सिलबट्टा यूज़ किया। आप तो सब लोग मिक्सी यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने इसकी रोटी बनाई, वो भी मैंने हाथ से बनी, क्योंकि तो बेलन से बनाती है ना, चकले बेलन पे तो चिपक जाती, तो हाथ से बनाई मैंने रोटी। और इसका आटा भी ना एकदम बराबर सेट करना बड़ा मुश्किल है। अभी तो मेरे से अच्छी बन गई थी, इसके बाद मैंने एक बार और ट्राई करी तो उस दिन अच्छे से नहीं बनी, क्योंकि बहुत इसका ना रेशियो जैसा होता है, और मैं कभी ऐसे रेशियो से तो करती नहीं, थोड़ा आइडिया से ही करती हूँ। तो मेरी उस दिन रोटियाँ खैर अच्छी बन गई थी, फूल गई थी, क्योंकि वही है रेशियो कुछ अच्छा हुआ होगा। और खाने में ना एकदम बढ़िया हुई, हम लोगों ने वही एकदम अपने अपने गाँवों वाले स्टाइल में ही खाया, धनिया पुदीने की चटनी घी के साथ खाया इसको। मेरे को, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा, पंखों को तो टेस्ट पसंद नहीं आया, और रेशो घर पे था नहीं, क्योंकि हमने ये ब्रेकफास्ट में बनाया था करीबन 10-11 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया था, तो उस दिन बनाया, तो रेशो तो उसने स्कूल जा रखा था। तो हम लोगों ने बनाई और बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। और फिर उसके बाद हमने उस देखी थी मूवी उस टाइम पे, मजनू मूवी, तो हमने मजनू मूवी भी चला रखी थी, तो हम खा रहे थे और साथ में देख रहे थे हम मजनू मूवी। और ये पंखों को बिल्कुल नहीं हो रहा था कि ये खाने से मिर्ची हो रही है, मिर्ची हो रही है, तो मैंने ज़बरदस्ती इसको भी खिलाया, ताकि भाई इसे भी आदत पड़े थोड़ी मिर्ची, थोड़ा चटपटा खाने की, वरना इसको तो ऐसा होता है जैम में रोटी दे दो, घी में रोटी दे दो, ये नहीं खाता है। तो किस किस के बच्चे इस पंखों के जैसे जैम और घी में खाते हैं। मेरा ये पंखों ज़्यादातर जैम में रोटी खाता है, लेकिन फिर भी मैं इसको सब्जी देती हूँ। रिशु जो है वो तो खा लेता है थोड़ा ड्रामे व्रामे करते करते। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।